हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का यूट्यूब चैनल अपग्रेड अर्निंग स्किल्स में। तो आज की वीडियो में आपको डाटा टूल्स कराने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट फिल्टर बताया था, तो अब बारी है डाटा टूल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट टू कॉलम्स का। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ बता देती हूँ। जैसे कि आपने किसी एक ही सेल के अंदर नेम और सरनेम साथ में लिख रखे हैं, जैसे कि मीरा माथुर, रिया जोशी, ये नाम अपने एक ही सेल के अंदर लिख रखे हैं, पर आपको ये नाम अलग अलग सेल में चाहिए। कहने का मतलब आपको फर्स्ट नेम अलग चाहिए, लास्ट नेम अलग चाहिए, तो उसके लिए हम टेक्स्ट टू कॉलम्स का यूज़ करते हैं। तो इनका यूज़ करके मैं बताती हूँ। शीट टू पे मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, तो इसके ऊपर मैं आपको इसका यूज़ करके बताऊँगी। तो आपको क्या करना है, ओनली फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे सिर्फ एक सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ से आपने लिखने की शुरुआत की थी। अगर आपका टैक्स बाहर रह रहा है, वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट करना है जिसमें आपने नाम की शुरुआत की थी। इसके बाद यहाँ से आपको जाना है टैक्स टू कॉलम पे। देन टैक्स टू कॉलम पे जाने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे कन्वर्ट टैक्स टू कॉलम्स का। तो इसमें आपको क्या करना है, अभी फ़िलहाल में आपको फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं छेड़ना, नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने जो यहाँ पर नेम टाइप किए हैं उसमें आपने टैब का यूज़ किया है, कोमा का, सेमी कॉलम, स्पेस किसका यूज़ किया है, आप उस पर टिक लगा दोगे। तो मैंने यहाँ पर स्पेस का यूज़ किया था, तो यहाँ पे मैं टिक लगा देती हूँ। प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखता रहेगा, डाटा प्रीव्यू आपको नीचे नज़र आता रहेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। देन नेक्स्ट करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि आपको जो नॉर्मल टैक्स आपने जो लिखा था आपको किस फॉर्म में चाहिए, जर्नल में चाहिए, टैक्स में चाहिए, डेट में चाहिए। तो मेरा टैक्स है मुझे नॉर्मल जर्नल में चाहिए जैसा है। तो इसके बाद यहाँ से आपको करना है फिनिश। तो जैसे आप फिनिश करोगे, आपके सारे जो नेम हैं वो अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएंगे। तो आई होप आपको टेक्स्ट टू कॉलम समझ में आ गया होगा। हमने क्या करा था, इन नाम को एक ही सेल के अंदर लिखा था, पर अब ये अलग अलग सेल में डिवाइड हो गए हैं। तो ये था हमारा टेक्स्ट टू कॉलम। अपनी शीट वन पे वापस आते हैं। फिर उसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स। तो इसमें क्या है कि आपका जो डाटा है, अगर आपकी इसमें कोई भी वैल्यूज़ डुप्लीकेट हैं, तो वो उसको यहाँ से रिमूव करता है, डिलीट करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, डाटा को सिलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। अगर आपको नेम में डुप्लीकेट वैल्यू डिलीट करनी है तो वो कर दीजिए, वरना आपको अगर जैसे आपकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे डुप्लीकेट हैं तो आपको ऑल सेलेक्ट करना है, देन यहाँ से कर देना है ओके। जैसे आप ओके करोगे तो आपकी जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू थी आपको यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। तो यहाँ पर काफ़ी सारी वैल्यूज़ थी जो डुप्लीकेट थी, वो सारी यहाँ पर डिलीट हो गई हैं। तो आपको रिमूव डुप्लीकेट भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन का मैं यूज़ बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सेम ऐसे ही टेबल साइड में ड्रो कर रखी है, तो इसमें जैसे डेजिग्नेशन दे रखा है, नेम दे रखा है, आईडी दे रखी है, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे आईडी और नेम ले लिए हैं। पर मुझे उनकी क्या जाननी है, डेजिग्नेशन जाननी है। पर डेजिग्नेशन मुझे पता है उषा कौन है, काजल कौन है, पर मुझे यहाँ पर टाइप ना करना पड़े उसके लिए मैं यहाँ पर डाटा वैलिडेशन का यूज़ करूँगी। तो उसका यूज़ करके मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, देन डाटा वैलिडेशन पर जाकर फर्स्ट पे क्लिक करना है। वैल्यू पे आपको लिस्ट ले लेनी है। लिस्ट के बाद आपको सोर्स नज़र आएगा, तो इस सोर्स में हम यहाँ पर डेजिग्नेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको करना है यहाँ से ओके। तो जैसे आप ओके करोगे, आपको यहाँ पर एक फिल्टर टाइप में छोटा सा बटन नज़र आएगा। तो जैसे हम देख लेते हैं कि आईडी नंबर है AB112 और नेम है उषा, जिसकी पोस्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। उषा हमारी जनरल मैनेजर है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको जनरल मैनेजर की पोस्ट दे देंगे। ऐसे ही नीचे सेल पे क्लिक करेंगे, काजल हमारी मैनेजर है, तो इसको मैनेजर की पोस्ट दे देंगे यहाँ पे। इसके बाद नीचे बढ़ते हैं, लाली हमारी कौन है, अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट को हम इसको दे देंगे। तो इस तरीके से आप डाटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हो। डाटा वैलिडेशन का यूज़ कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। तो आपको आई होप डाटा वैलिडेशन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेट का यूज़ मैं बता देती हूँ आपको। कंसोलिडेट का यूज़ ये है कि आपकी फर्स्ट शीट पे डाटा है, देन आपकी सेकंड शीट पे डाटा है, तो उन दोनों शीट का डाटा आपको तीसरी शीट पे चाहिए, तो इसके लिए आप कंसोलिडेट का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, शीट थ्री पे मेरे पास सेल वन है, और शीट फोर पे मैंने यहाँ पे सेल टू दे रखी है, और फिफ्थ शीट पे मैंने दे रखा है यहाँ पे टोटल। तो इनका टोटल मैं यहाँ पे निकालूँगी फिफ्थ शीट पे। तो यहाँ पे हम कर रखते हैं कर्सर को, डाटा में जाएंगे, कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे, देन आपको सम कराना है, तो आप यहाँ पर पहले फंक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे यहाँ पर सम कराना है, तो हम यहाँ सम रहने देते हैं।
रेफरेंस में आके आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको जाना है थर्ड शीट पे। आप पहले इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे, वापस से इस पर क्लिक करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। देन फिर आप इस पर वापस क्लिक करेंगे, शीट फोर पे आके शीट फोर के डाटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर से इस पर क्लिक करके इसको भी ऐड कर देंगे। देन आप फिफ्थ शीट पे आना है और यहाँ पर आकर आपको सिर्फ ओके करना है। तो जैसे आप ओके करोगे आपको इन दोनों शीट का यहाँ पर टोटल अमाउंट दिख जाएगा। तो आई होप आपको कंसोलिडेट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका डाटा टूल्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे टूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी आउटलाइन के बारे में, आउटलाइन का ब्लॉक मैं आपको पूरा करा दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।